अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SRF बहावलपुर अपडेट। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की मुकम्मल अक्कासी करने वाले हैं कि गांव में बसने वाले लोग, मर्द, औरतें और बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और इनके मिट्टी के बने हुए घर कैसे होते हैं और इनका गुजर बसर कैसे होता है। तो दोस्तों, मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और जो भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं गांव के हालात ज़िंदगी। कुआं सा बना रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे तो काम कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या बना रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या बना रहे हैं ये कुआं, किस लिए खोद? अच्छा, वॉशरूम के लिए ये गटर बना रहे हैं। अच्छा, ये खड्डा लगाने के बाद इसको ऊपर से बंद कर देना, पाइप वगैरह इसमें डाल देंगे वॉशरूम में। जी व्यूअर्स, असल में यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम नहीं होता, इसलिए लोग इसी को गटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कुएं बनाकर। अब इनके अंदर चलते हैं और अंदर का हालात देखते हैं। ये जी इनका कमरा है जिसमें सारी फैमिली ये यहीं पे रहती है, सर्दी गर्मी में इसी कमरे में ये गुजर बसर करते हैं। ये आप देख रहे हैं व्यूवर्स, कुछ सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है और कुछ जो बाकी जगह बची है उसमें ये गुजारा करते हैं, ये इनके बच्चे भी। और ये इनका वॉशरूम है दोस्तों, इसकी छत वगैरह भी नहीं है, ये इनका इसको वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये। और ये इनका किचन है, ये व्यूअर्स आप सामने देख रहे हैं, ये चूल्हा वगैरह और तवा वगैरह, कुछ सामान वगैरह लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, तो ये लकड़ियाँ जला कर जो है ना ये खाना वगैरह बनाते हैं। ये इनका किचन है छोटा सा, लकड़ियाँ वगैरह काट के आते हैं और वो जला कर खाना वगैरह तैयार करते हैं। और ये व्यूअर्स इनका बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है।
क्या बना रहे भाई? पतंग बना रहे भाई। पतंग बना रहे हो? चलिए दोस्तों एक और घर में चलते हैं और वहाँ के हालात ज़िंदगी आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, ये इनका वॉशरूम है, ये देख सकते हैं व्यूवर जी इनका वॉशरूम। ये दोस्तों इनका गटर है। दोस्तों इनका किचन है, ये आप देखें। ये दोस्तों एक और घर चलते हैं और ये घर भी आपको विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल हैं? कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे इस घर में? शुरू से है। अच्छा 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 20 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए हैं? जी जी। ये लकड़ियाँ क्या करते हैं? जलाते हैं? अच्छा। गैस पर जलनी चाहिए ना? अच्छा गैस नहीं है? नहीं। ये लकड़ियाँ वगैरह जला के रोटी वगैरह बनाते हैं? जी। अच्छा ये क्या है? ये दाल सब्जी है। लहसुन है? लहसुन? हाँ लहसुन। अच्छा वो पालक है, ये धनिया है। अच्छा धनिया, ये घर की अपनी खुद ही काश्त करते हैं? वास्ते। ये क्या किचन है? नहीं किचन, ये भाना, ये गाँव भाना। अच्छा अच्छा गायें वगैरह इसमें बांधते हैं सर्दी से बचाने के लिए? जी जी। अच्छा ये अपने जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, छोटा सा छपरा वगैरह सब बनाया हुआ है इन्होंने। इसमें ये अपने जानवर वगैरह बांधते हैं।
कच्चे मकान हैं, इनके घर गारे के बने हुए, ये आप देख सकते हैं इनका घर, मिट्टी से बना हुआ घर है। और ये तंदूर बनाया हुआ है इन्होंने, इसके अंदर रोटियां वगैरह बनाते हैं। आग जला के, आग जलाने के बाद इस पे रोटियां वगैरह लगाते हैं। ये चूल्हा है इनका। का ये है? अच्छा, ये इसमें सोते हैं आप? इसी में सोते हैं। क्यूट सा बकरी ने बच्चा दिया होगा। जानवरों को चारा वगैरह उतरने के लिए ये मशीन है। ये से चारा वगैरह उतरते हैं। चारा इन्हें उतरा होगा कुछ। ये किस चीज़ का दरख्त है? सोहांजना। ये खाते हैं? ये खाते हैं। अच्छा अच्छा ये सोहांजना है। अगर लग जाता है तो इसको खाने के तौर पर, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल। अंकल जी ये क्या है? ये बने, ये किचन। अच्छा ये किचन है, किचन बनाया हुआ है ये जी, खाना वगैरह बनाने के लिए। जी जी जी, ये देख सकते हैं ये इनका किचन है। इसमें रोटी वगैरह बनाते हैं, खाना। सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो इसको सर्दी से बचने के लिए ये इस किचन में ये खाना वगैरह बनाते हैं, चट करते हैं। ये इनका किचन है, इसमें चूल्हा वगैरह इन्होंने लगाया हुआ है। ये कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए खाने पीने के। ये भी कमरा है? हाँ जी।
अच्छा, ये व्यूअर देख सकते हैं, ये कमरा इनके सोने का कमरा है, ये बेडरूम जी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की और वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। इसी के साथ मोहम्मद सलीम को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना और अपने वालदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।